एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। आपकी सरकार गिराने का प्रयास कर रहा है, दुष्यंत चौटाला है, भूपिंदर सिंह हुड्डा है, कौन सा दुष्यंत चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो, उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में, उसके विधायकों ने, उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है, मैंने विश्वास मत हासिल किया है, और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय के ऊपर फिर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ पूरा हरियाणा का पूरा विपक्ष सरकार के अल्पमत में होने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री नायब चैनी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहा है, तो दूसरी ओर नायब चैनी का कहना है कि कौन सा विपक्ष, विपक्ष तो हरियाणा में है ही नहीं। जी हां, नायब सैनी का पूरा बयान आपको सुनाएंगे, जिसमें नायब सैनी ने दुष्यंत चौटाला को घेरा, कांग्रेस को लपेटा और डंके की चोट पर बोला कि मेरी सरकार ने पहले भी बहुमत साबित करके दिखाया है और जरूरत पड़ी तो फिर से बहुमत साबित कर देंगे। कहते हैं आप अल आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? विपक्ष, कौन सा विपक्ष? दुष्यंत चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो, उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में, उसके विधायकों ने, उसके पास हैं क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है, मैंने विश्वास मत हासिल किया है, और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय के ऊपर फिर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। दरअसल हरियाणा की नायब सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, उसके बाद से हरियाणा की भाजपा सरकार के अल्पमत में होने की बात उठने लगी है। जजपा के नेता व पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करती है, वहीं हुड्डा भी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में अब सैनी सरकार पर लगातार संकट गहराता जा रहा है। हालांकि नायब सैनी का कहना है कि जजपा के पास अपने 10 विधायक भी नहीं है, लेकिन दुष्यंत चौटाला विहिप की ताकत के जरिए सारे बागी विधायकों को साथ लाने की हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आ गई तो नायब सैनी की सरकार अपना बहुमत कैसे साबित करेगी, इसी को लेकर हर तरफ चर्चाएं गूंज रही हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।